राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हसू क्लासेस पर। तो दोस्तों, इससे पहले 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं लेटर सीरीज। इससे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, ये दोनों चैप्टर हमने पूरे करा दिए हैं। तो दोस्तों, लेटर सीरीज आपका केवल एक दिन का चैप्टर है और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। सबसे बड़ी बात, इसमें से हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों, इसे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें होती है ग्रुपिंग। हमेशा क्या होगी इसमें? ग्रुपिंग अर्थात समूह। इसमें समूह बनते हैं। समूह कैसे बनेंगे? देखिए दोस्तों, जैसे हम लिख देते हैं ए बी सी डैश ए डैश सी ए डैश सी डी डैश बी सी डी डैश डैश सी डी। ठीक है दोस्तों, गिनिए कितने हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें गिनेंगे ये कितने हो चुके हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी हम काउंटिंग करेंगे, ये लेटर कितने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने काउंटिंग कर ली, इसमें है 16। 16 लेटर होते हैं तो वहां चार चार का ग्रुप बनता है। किसका बनता है? चार चार का। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक दोस्तों, ग्रुप बना दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम चेक करेंगे। देखिए आखिरी में देखो, डी डी डी, तो ये तो संभव है कि यहां भी डी आएगा। डी क्या हो गया, ये ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत यहां भी ए ए बी सी डी, अर्थात यह क्या है, ए बी सी डी। क्या है? ए बी सी डी। तो हम यहां क्या कर देंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं। ग्रुप बनाएंगे, जितना भी बनेगा, चार का, छह का, तीन का, जो भी ग्रुप बनेगा, हम ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना टाइप होता है, वो टाइप बताते हैं हम आपको। इसमें होते हैं तीन टाइप। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं वो बताते हैं हम। देखिए दोस्तों, कितना होता है, थ्री टाइप। थ्री टाइप में होता है टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन क्या कह रहा है, टाइप नंबर वन कहता है हर ग्रुप में, क्या कहता है, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम और सभी ग्रुप भी सेम। क्या कहता है टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन कहता है सभी ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम और सभी ग्रुप भी सेम, और सभी ग्रुप भी सेम। क्या होता है टाइप नंबर वन में, टाइप नंबर वन कहता है हर ग्रुप में सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, नंबर ऑफ लेटर सेम और सभी ग्रुप भी सेम, टाइप नंबर वन। इसका एग्जांपल देखिए कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये देखिए एग्जांपल नंबर वन। ए बी डैश, ए बी डैश डी और ए डैश सी डी और डैश बी सी डी।
डैश डैश सी डी। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें काउंटिंग करेंगे क्या है, एक दो तीन चार, एक दो तीन सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, कितना हो गया सोलह। सोलह का मतलब चार चार। देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, क्या हो गया चार चार। क्या कह रहा हमारा टैब नंबर वन, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम। देखिए टैब नंबर वन क्या कह रहा है, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम। बिल्कुल सही है, कंडीशन फॉलो है, फॉलो है। इसके बाद देखिए सभी ग्रुप भी सेम, सभी ग्रुप भी सेम है या नहीं कैसे पता चलेगा, देखिए सी डी सी डी सी डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा सी डी, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अर्थात सभी ग्रुप भी सेम। क्या हो गया सभी ग्रुप भी सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम और सभी ग्रुप भी सेम हो गया। इसका देखिए एग्जाम्पल नंबर दो, एग्जाम्पल नंबर दो क्या कह रहा है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी। देखिए सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम और सभी ग्रुप भी सेम, सभी ग्रुप भी सेम, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, सभी ग्रुप सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम। ठीक दोस्तों, अब आ जाते हैं हम टैब नंबर टू में। टैब नंबर दो क्या कह रहा है हमारा, देखिए टैब नंबर दो, टैब नंबर दो कह रहा हमारा, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम। सेकंड क्या कह रहा है, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, ठीक है दोस्तों, एंड सभी ग्रुप भी सेम नहीं, सभी ग्रुप सेम नहीं, क्या है सभी ग्रुप सेम नहीं है, इसमें सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम आएगा पर सभी ग्रुप सेम नहीं आएंगे इसमें, ठीक है दोस्तों, सभी ग्रुप सेम नहीं, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम। ये हो गया हमारा टैब नंबर टू। टैब नंबर टू के उदाहरण देखिए, एग्जांपल नंबर वन, ए ए ए ए ए ए बी 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 ए ए ए बी बी बी, क्या हो गया सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, तीन तीन है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, ठीक है, पर सभी ग्रुप सेम नहीं, सभी ग्रुप सेम नहीं। देखिए ए बी 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 ए बी बी, सभी ग्रुप सेम थोड़ी है, अलग अलग का है, एक को छोड़ के दूसरे वाला, ये इससे सेम है, ये इससे सेम है, यही तो है सभी ग्रुप सेम नहीं। एग्जाम्पल नंबर दो देखिए इसका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर दो देखिए क्या कह रहा है, देखिए ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी। देखिए अब सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम
हो गया। अब देखिए, सभी ग्रुप सेम नहीं, सभी ग्रुप सेम नहीं, ये ग्रुप सेम है, ये ए बी सी डी, ये बी सी डी ए, ये सी डी ए बी, ये डी ए बी सी, सभी ग्रुप सेम नहीं। सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, पर सभी ग्रुप सेम नहीं। ये हो गया आपका टाइप नंबर दो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टाइप नंबर तीन। केवल ये तीन टाइप याद रखिए और अपने पूरे सवाल करिए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी आपके हो जाएंगे, एक या दो नंबर कहीं नहीं गया अगर ये आपका लेटर सीरीज पूरा हो गया तो। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइप नंबर थ्री। चलो इसे पूरा ही लिख देते हैं, ये थोड़ा अलग है। देखिए टाइप नंबर थ्री, देखिए सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर अलग एंड सभी ग्रुप भी अलग एंड सभी ग्रुप भी अलग। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर अलग और सभी ग्रुप भी अलग। इसमें न तो ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे न ही ग्रुप सेम होंगे, ग्रुप भी अलग नंबर ऑफ लेटर भी अलग, दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसे, इसका एग्जांपल देखिए। पहले एक एग्जांपल, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी 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 बी। ठीक दोस्तों, ये इसका एग्जांपल देखिए, पहले दो फिर तीन फिर चार फिर पांच, अलग अलग हैं सभी। उसके अलावा ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी बी बी, मतलब सभी ग्रुप भी अलग, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर भी अलग। ठीक है दोस्तों, और देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए इसका, एग्जांपल नंबर दो, ए बी ए बी सी ए बी सी डी बी सी डी ए, अर्थात देख ये नहीं आएगा, इसमें फिर आ जाएगा ए बी सी डी ई, मतलब सभी ग्रुप अलग, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर अलग, दो तीन चार पाँच, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर अलग और सभी ग्रुप भी अलग, सभी ग्रुप भी अलग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके तीनों टैप। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग होती है, समूह होता है, ये आपको बताई दिया। टाइप तीन होते हैं, तीनों टाइप बता दिए, एक बार और रिवीजन करा देता हूँ क्या है, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। देखिए टाइप नंबर वन क्या कहता है, टाइप नंबर वन कह रहा है आपका सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, क्या कह रहा है, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सभी ग्रुप भी सेम, सभी ग्रुप भी सेम, टाइप नंबर वन। टाइप नंबर टू क्या कह रहा है, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, मतलब नंबर ऑफ लेटर तो इसमें सेम ही रहेंगे पर सभी ग्रुप सेम नहीं, सभी ग्रुप सेम नहीं, ग्रुप क्या रहेंगे इसमें अलग, सभी ग्रुप सेम नहीं। ये हो गया आपका टाइप नंबर टू। टाइप नंबर थ्री क्या कह रहा है, टाइप नंबर थ्री कह रहा है आपका सभी ग्रुप अलग, क्या कह रहा है, सभी ग्रुप अलग और सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर भी अलग, मतलब सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर अलग और सभी ग्रुप भी अलग। आ गया समझ में, पहले में दोनों सेम, ग्रुप भी सेम नंबर ऑफ लेटर भी सेम, दूसरे में नंबर ऑफ लेटर सेम लेकिन ग्रुप अलग, तीसरे में ग्रुप भी अलग और नंबर ऑफ लेटर भी अलग। आगे तीनों टाइप समझ में आपके। और देखिए आगे ग्रुपिंग कितने कितने की होगी, ग्रुपिंग हमेशा ही 12 से शुरू होगी और कम से कम 24 अक्षरों के बीच में होगी। ठीक है दोस्तों,
ये है मिनिमम, इससे कम नहीं होगा। ये है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा। 12 से कम नहीं होंगे अक्षर लेटर, और 24 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा कि 50 का दे दिया, 30 का दे दिया, 40 का दे दिया, नहीं होगा। केवल 12 से लेके 24 के बीच में ही होंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए 12 बारह बारह का बनेगा पहले, 12 के बाद फिर बनेगा किसका, 15 का। 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 12, 15, 16, 18, उसके बाद 20 और 24, उसके बाद 20 और 24। ग्रुपिंग हमेशा इनकी ही बनेगी, 12 लेटर की, 15 की, 16 की, 18 की, 20 की, 24 की, केवल इनकी बनेगी। इनके अलावा आएगा वो मैं बताऊंगा अभी, पहले इन्हें देखो। 12 का आएगा तो कैसे बनेगी, 3 या 4 से। अगर 12 का आ जाएगा तो किससे बनेगी, या तो 3 ग्रुप बनेगा या 4-4 के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, 15 का आ जाएगा तो 3 या 5 से, 15 में या तो 3 का बनेगा या 5 का बनेगा, हमें दोनों ही बना के देखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाएगा आपका 16 का, 16 के में हमेशा ही 4 की बनेगी। अगर 16 लेटर का आ जाता है तो हमेशा ही 4 की बनेगी, सबसे इजी 16 लेटर वाला होता है, इसमें केवल 4-4 की ग्रुप ही बनती है। ठीक है दोस्तों, 18 में 6 की बनेगी, 18 में समय खराब न करें, केवल 6 की बनाए, 3 और 6 की नहीं बनानी इसमें, केवल 6 की बनाओ सीधा, 3 की तो उसी में आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, 3-3 का बनेगा ना पेयर, उसी में बन जाएगा, केवल 6 की बनाओ। ठीक है, 18 में 6 की, 20 में 4 की या 5 की, 20 में किसकी बनेगी, 4 या 5 की, 20 में बनेगी 4 या 5 की, 24 में, 24 में बनेगी 4 या 6 की, 24 में बनेगी 4 या 6 की। आ गया समझ में, मिनिमम बनेगा आपका, मिनिमम बनेगा, कम से कम बनेगा 12 का, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, मैक्सिमम बनेगा 24 का, कम से कम 12, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 24। ठीक है, 12 का आ जाता है तो हम 3 और 4 से बनाएंगे, 15 का आ जाता है तो हम 3 और 5 से बनाएंगे, 16 का आ जाता है तो हम 4 से बनाएंगे, 18 का आ जाता है तो हम 3 या 6, लेकिन हम इसमें केवल 6 से ही बनाएंगे, 3 से नहीं बनाएंगे, 20 का आ जाता है तो 4 या 5, 24 का आ जाता है तो 4 या 6। आ गया समझ में, ये ग्रुपिंग हमें करनी होगी। अब आप कहोगे ये तो आपने बता दिया, लेकिन सपोज करो 14 का आ जाए, 17 का आ जाए या 19 का आ जाए, 14, 17, 19, ये तीनों ऐसे हैं जो न के बराबर पूछे जाते हैं, जो कि न के बराबर पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी ग्रुपिंग बनती ही नहीं है, ये सवाल आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे भी तो बड़ी मुश्किल से एक या दो सवाल आएगा, वो भी अलग अलग सेट में। ठीक है दोस्तों, इनका कैसे बनाएंगे, ये तीनों बनते हैं हमारे, ये तीनों बनते हैं हमारे ऑप्शन के आधार पर, ऑप्शन देखेंगे चारों को धर के, ऑप्शन के आधारित ये तीनों हमारे ऑप्शन के आधारित पर ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, 14, 17, 19 अगर इतने लेटर आ जाए तो ये हमारे तीनों ऑप्शन के आधारित पर ही बनेंगे। आ गया समझे दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन के आधारित पर बनाएंगे, 12 का 3 या 4, 15 का 3 या 5, 16 का 4 से, 18 का 6 से, 20 का 4 या 5, 24 का 4 या 6। ठीक दोस्तों, अगर ये आ जाते हैं तो इनकी तो ग्रुपिंग इससे हो जाएगी,
और अगर 14, 17, 19 ये आ जाए तो इनकी ग्रुपिंग नहीं होगी, ये केवल ऑप्शन पर ही आधारित भेष होंगे, इन्हें हम ऑप्शन को देख के ही बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, 4-5 क्वेश्चन आपको करा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेटर सीरीज हमारी खत्म होने में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बता दिया, अब तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा लोगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 QST QST QS R QSR Q T R। ठीक दोस्तों, और देखिए एक और STR कैसे करेंगे इन्हें, इसका ऑप्शन भी देखिए एक बार, ऑप्शन क्या आएंगे इनमें, ऑप्शन आ जाएगा QSTR RT, ऑप्शन नंबर ए QSTR, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा RTSQ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा QSRT, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा RTQS। थोड़े से 4-5 क्वेश्चन में सीट पर लिख के लाया हूँ जिन्हें मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपको करना है, और एक और क्वेश्चन देखिए, खाली जगह ए ए खाली जगह बी बी ए खाली जगह बी, फिर इसके बाद बी खाली जगह ए बी, इसके बाद खाली जगह ए ए बी, इसके भी ऑप्शन देख लीजिए, वैसे इसके ऑप्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खाली जगह एस टी, इसके बाद टी खाली जगह टी, इसके बाद टी, इसके बाद टी खाली जगह टी, इसके बाद टी एस खाली जगह, ये देखिए तीनों को कैसे करेंगे, ये तीन क्वेश्चन हम एक साथ कर लेते हैं, इसके बाद फिर और भी क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। देखिए दोस्तों पहला देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा काम रहेगा लेटरों को काउंट करने का, पहले लेटर काउंट करिए कितने लेटर हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लेटरों को काउंट करो, काउंट करने के बाद क्या रहेगा, ग्रुपिंग करने का। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लेटर आ जाएं, आंख मीच कर 4-4 की ग्रुपिंग कर दो। देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक दोस्तों, ये देखिए क्या है, कौन सा वाला टैप है, टैप नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सेम हो गया। उसके बाद देखिए ST ST SC हो जाएगा, R R R, मतलब सभी ग्रुप भी सेम, सभी ग्रुप भी सेम, टाइप नंबर 1। देखिए पीछे क्या है इसमें, R यहाँ आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए QSTR
QSTR. ये हो गया, इसमें ऑप्शन देगी RTSQ. कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, RTSQ. ठीक दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटरों की काउंटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, लेटरों की काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने लेटर हैं? कितने हैं सोलह। सोलह का मतलब चार चार से करिए। 1, 2, 3, 4 सॉरी दोस्तों, 2 गिनिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने हैं? 16। ये 16 हैं तो कितने कितने की ग्रुप में होगी? चार चार की करीब। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 चार चार की ग्रुप में हो गई। तो देख क्या करेंगे, डबल ए मतलब पीछे क्या आएगा, बी, पीछे भी आएगा, पीछे भी है, बी है। अब देखिए आगे बी, तो आगे क्या आएगा, बी, क्या हो गया, बी ए ए बी, अर्थात कौन सा है, टैब नंबर 1। सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, सभी ग्रुपों में नंबर ऑफ लेटर सेम, चार 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 चार, सभी ग्रुप भी सेम, बी ए बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हैं, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हैं, 12। अब ये 12 हैं तो कैसे करेंगे इसे, देखिए देखिए 1, 2, 3 पहले 3-3 का बना लो, 3-3 से नहीं आएगी, जो 4-4 से बनाएंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ठीक दोस्तों, 1, 2, 3 3-3 से बनेगा। और देखिए पीछे क्या है, ST, यहाँ भी ST, यहाँ गड़बड़ हो गया हमारा, यहाँ भी क्या आएगा, ST। देखिए TST है ना, T है, सुमो T है, तो यहाँ क्या कर दो, T, यहाँ भी क्या है, T, यहाँ भी क्या है, T, यहाँ भी क्या है, T, यहाँ क्या हो जाएगा, T, TST, बीच में क्या है, S, 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 TST, ये कौन सा हो गया, टैप नंबर 1। टैप नंबर 1 के सवाल समाप्त। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आगे की क्लास होगी आपकी कल, थोड़ा सा आज काम है हमें, इमरजेंसी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।